वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरईटी टोकन, जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी टोकन भी कहते हैं। अब ये पूरा आरई टोकन किसके बारे में है, इसे हम आज समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। रिन्यूएबल एनर्जी टोकन और द आरईटी टोकन इज अ BEP20 टोकन क्रिएटेड ऑन January 4, 2022 ऑन द बिनांस स्मार्ट चेन नेटवर्क एंड दैट वन डिजाइन टू द functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmental friendly. In addition, those who hold the RET token both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards. तो सीधे शब्दों में अगर यूं कहें तो जो renewable energy होती है उसको लेकर इस token का development हुआ है, यानी कि सिंपली बिना स्मार्ट चेन नेटवर्क पर इसे 4 जनवरी 2022 को क्रिएट किया गया था और ये BEP20 टोकन है। दिस इज द ऑफिशियल होम पेज ऑफ RET.life, यानी कि इसकी वेबसाइट का नाम RET.life है और इस पूरे टोकन के बारे में इस वेबसाइट में आप इजीली चेक कर सकते हैं। हालांकि इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसके व्हाइट पेपर की ओर एक बार चेक कर लेते हैं। व्हाइट पेपर में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा व्हाइट पेपर बनाया हुआ है, जिसमें इन्होंने पूरे इन्वायरमेंट को लेके, पूरे जो ग्लोबल एक एनवायरनमेंट सिस्टम्स है उसे समझाया है कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी बनती थी और कैसे उसका दोहन हो रहा है, उसका यूज हो रहा है, उसका पूरा फॉसिल फ्यूल से लेके रिन्यूएबल एनर्जी कितने टाइप्स की होती है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया। यानी कि सारे के सारे वाइट पेपर में जो इनकी इंट्रोडक्शन है, ये स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी और उसका जो डिग्रेडेशन है, जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसकी वजह से, उसके ऊपर बात की गई है। हम इतने डिटेल्स में यहां पर नहीं जाने वाले हैं क्योंकि इसमें वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, तो हम उस चीज पे ध्यान देंगे जो एक क्रिप्टो के नजरिए से आपके लिए फायदेमंद है। व्हाट इज रेट? दैट मींस रिन्यूएबल एनर्जी टोकन। तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि रिन्यूएबल एनर्जी टोकन जो है वो एक बिना स्मार्ट चेन नेटवर्क पर बनाया गया BEP20 टोकन है। उसके साथ ही जो प्रोजेक्ट है ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होगा, जो आने वाले टाइम में जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेशन में जो प्रोजेक्ट होंगे, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज्ड, दोनों को यहाँ वो चेक करेगा, उन प्रोजेक्ट को यहाँ पे बताएगा, उनको तवज्जो देगा। इट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी ट्रेड, 1% फीस रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल होल्डर्स, 1% एडिशनल फी ऑन ऑल सेल ट्रेड्स एडेड टू द बर्न वॉलेट एंड 1% एडिशनल फी ऑन सेल ट्रेड्स एडेड टू द टीम वॉलेट। फ्रेंड्स अब ये तीन टाइप के टैक्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो पहला है उसमें 1% फीस जो है वो जितने भी होल्डर्स हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, यानी कि अगर आपके पास आरईटी टोकन है तो जो भी ट्रेड होगा उसकी 1% फीस आपको एज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगी आपकी होल्डिंग्स में। और जो दूसरी 1% है वो जो भी इसमें ट्रेड करेगा, यानी कि जो भी इसमें सेल करेगा उसके बर्न वॉलेट में वो चली जाएगी। और उसके अलावा जो तीसरा 1% होगा, दैट इज एडिशनल फी ऑन सेल ट्रेड एडेड टू द टीम वॉलेट, यानी कि 1% जाएगी होल्डर्स को, दूसरी जो 1% है वो सेल ट्रेड्स के लिए बर्न वॉलेट में जाएगी, और जो तीसरी है वो टीम वॉलेट में ट्रेड्स ऐड होने के बाद, यानी कि सेलिंग होने वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी सिक्योरिटी फीचर्स क्या हैं? नो हाई सेवरिटी इश्यूज है, नो मीडियम सेवरिटी इश्यूज, नो लो सेवरिटी इश्यूज, नो डेव वॉलेट। तो यानी कि सिक्योरिटी के हिसाब से इनका ऑडिट भी कंप्लीट हो चुका है, उसको मैं आपको बताऊंगा। ऑल रेड ट्रांजेक्शन कैन बी फाउंड ऑन BSC चेन इन दिस लिंक, यानी कि आप इस पर्टिकुलर चेन लिंक पर जितने भी ट्रांजेक्शन हैं BSC की आप उसे चेक कर सकते हैं। टीम का वॉलेट भी यहाँ पर दिया, आप उसे चेक कर सकते हैं। रेट की सप्लाई बात की जाए तो टोटल सप्लाई 50 क्वाड्रिलियन है दोस्तों, जी हाँ 50 क्वाड्रिलियन, यानी कि बहुत ज्यादा सप्लाई है इसकी रेट टोकन की। और लिक्विडिटी पूल में 60% लॉक कर दिया गया है, बर्निंग स्टोर 40%। अब ये बर्निंग स्टोर का आप समझ लीजिए कि जो भी बर्निंग होगी, जो डेड एड्रेस पे जाएंगे वो 40% की इन्होंने कर रखी है। वी हैव एडेड 60% ऑफ रेट टोटल सप्लाई टू पैनकेक स्वैप लिक्विडिटी पूल, 40% of RET total supply was sent to dead address at the project's beginning, 9% of the pool purchase and transfer to the futures contract होंगे। RET and milestone incomings क्या है इसकी? 10% of the revenue from physical projects will be spent as follows, 50% green stock, 30% listing है, 10% buy rate and burning है, 10% advertisement के लिए रखा हुआ है। तो इस तरह से इसका bifurcation आपको इस पूरे टेबल पे मिल जाएगा। व्हाइट पेपर पे एक टर्म मेंशन की है ग्रीन स्टॉक। Green stock refer to stock of physical project. We will distribute these share in two ways. 5% of revenue from physical project will be distributed among the holders. और दूसरा है pre-sale stock, यानी कि इसकी ज्यादा details आपको जब first physical project इनका start होगा वहां पे आपको देखने को मिलेगी। Futures contract के लिए जो 9% इन्होंने रखा था वो आपको देखने को मिलेगा lock conditions में। And the future systems gives 1% discount on the
ऑन टाइम प्राइस ऑफ ईच मंथ ऑफ परचेज, यानी कि यहाँ पर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी अच्छी खासी इन्होंने परसेंटेज फिक्स करके रखी हुई। 3% के टैक्स का जो मैंने आपको समझाया था वो आपको व्हाइट पेपर पे यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल जाएगा। 1% रिफ्लेक्शन है, 1% लिक्विडिटी एक्युमुलेशन है, 1% टीम वॉलेट्स है। रेड टोकन का टेक रेट की ओर से ऑडिट हो चुका है और इस ऑडिट में जितने भी इन्होंने पैरामीटर्स चेक किए थे वो सारे पैरामीटर्स में ये पास हो चुका है और उस पूरी रिपोर्ट्स को आप इसकी वेबसाइट पे इजीली चेक कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे सब जगह आपको यहाँ पर ऐसा कोई मेजर इश्यूज नजर नहीं आएगा। हालांकि जो टोटल कंडीशन है वो पास आउट की ही दिखा रहा है, सिक्योरिटी इश्यूज कोई नहीं मिलेंगे आपको और उसके अलावा जो भी टीम को लेके बात हुई है वो भी आपको यहाँ पे क्लैरिटी उसकी मिल जाएगी। तो दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उसका ऑडिट होना बहुत जरूरी होता है, साथ ही साथ उसकी लिक्विडिटी भी लॉक होनी चाहिए। तो इस रेड प्रोजेक्ट में ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई करने वाली हैं। तो इनकी ऑफिशियल होम पेज पर वेबसाइट पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, जिसमें उन्होंने साफ मेंशन किया हुआ कि 60% जो लिक्विडिटी है वो ऑलरेडी लिक्विडिटी पूल में लॉक है और उसके साथ साथ जो ब्लैक होल की बात कर रहे हैं यानी जिसे हम डेड एड्रेस कह सकते हैं वहां पे 40% की जो इसकी टोटल टोकन है वहां पे डायरेक्टली चले जाएंगे और 1% का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है जो इसका टैक्सेशन सिस्टम है वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, जिसके बारे में उन्होंने यहाँ पे अच्छे से डिटेल्स में देखिए रखा हुआ है। फीचर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट है 9% जो मैंने आपको बताया है वो भी आपको यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन करके रखा हुआ है और इसके जो टोकनॉमिक्स है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। रोड मैप की दोस्तों बात की जाए तो रोड मैप अभी फेज वन इनका कंप्लीट हो चुका है, फेज टू की ओर अभी ये चल रहे हैं तो फेज टू भी आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिल जाएगा और उसके साथ साथ जब भी इनका रोड मैप फिनिश होगा उसके साथ ही एक नया रोड मैप ये जोड़ रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट में वो सारी चीजें ऐड करते जाएं जिनकी डिमांड क्रिप्टो वर्ल्ड में डे बाय डे बढ़ रही है, यानी कि रोड मैप इनका खत्म नहीं होने वाला है। यानी कि अगर आपका रोड मैप एक पर्टिकुलर टाइमलाइन पे जाके एंड होता है तो वहां पे ये कुछ और उसमें एडिशन कर देते हैं। अब ये एडिशन करना इस प्रोजेक्ट के लिए काफी फायदेमंद होगा क्योंकि ये अपने प्रोजेक्ट में हर उस नई चीज को लाना चाहते हैं जिससे इसके प्रोजेक्ट में काफी एक बढ़त मिले और इनको एक उस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट नजर आए। तो इस हिसाब से इन्होंने अपने इस पूरे प्रोजेक्ट में नए नए रोड मैप एड करने की बात कह रखी है। अब फ्यूचर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट में एक बात इन्होंने यहाँ पे टारगेट लेके रखी है विच इज टू रेज 12% डिस्काउंट। अब ये 12% डिस्काउंट यहाँ पे कैसे अचीव करेंगे, जैसे कि फर्स्ट मंथ में 1% बोनस आपको यहाँ देने की बात कर रहे हैं, थर्ड मंथ अगर रखते हैं तो 3% बोनस होगा, सिक्स मंथ रखोगे तो 6% बोनस होगा और 12 मंथ रखोगे तो 12% आपको बोनस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यानी फ्रेंड्स इसके अलावा टोकन के बारे में कुछ डिटेल्स हैं, विच इज आरटी इज द नेटिव टोकन, विच इज रिन्यूएबल एनर्जी टोकन, शॉर्ट फॉर्म आरटी हुआ, नेम अगेन रिन्यूएबल एनर्जी टोकन है, टाइप BP20 है, सिंबल इज आरटी, प्लेटफॉर्म BSC है, टोटल सप्लाई 50 क्वाड्स है। बात कर लेते हैं इनके स्वैप की, तो दोस्तों इनका खुद का RET का स्वैप है, आप चाहें तो यहाँ पे अपने वॉलेट को कनेक्ट करके इजिली यहाँ से भी बाइंग कर सकते हैं और इसे आप बाय करके होल्ड करके काफी अच्छी एक अर्निंग भी यहाँ पे कमा सकते हैं। दोस्तों कॉइन मार्केट कैप पर RET टोकन की अगर डिटेल्स देखी जाए तो यहाँ पर जो प्राइस है वो बहुत ही कम आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि कुछ 100 रुपए में आप कई लाखों टोकन यहाँ पर आज की डेट पे बाय कर सकते हो और इसका जो प्राइस है विच इज 0.8x03082 है, रीजन बाय 2.33% की आपको अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, रैंक इज 3687 है, टोकन जो है 257 की वॉच लिस्ट पे आपको देखने को मिल जाएगा, फुली डायल्यूटेड मार्केट कैप जो है 2.29% के हिसाब से रीजन पे है विच इज काफी अच्छी पोजीशंस पे आप देखने को मिल रही है, क्योंकि प्राइस इतना कम है इस टोकन का ये आपको बता रहा है कि कल को अगर ये 10 पैसे भी गए तो आप लखपति बड़े आराम से बन सकते हो, इस चीज को जरूर नोट कीजिएगा। और एक ऐसा कंसेप्ट आपके पास आ रहा है जो क्रिप्टो में बहुत ही अलग है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर है, उन प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने की बात की गई है जो रिन्यूएबल एनर्जी पे बन रहे हैं, चाहे फिर आप सोलर एनर्जी को लेकर बात कर लीजिए, नेचुरल वे में आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हो, उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को यहाँ पे सपोर्ट करने की बात की गई, तो काफी अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है आने वाले टाइम में। लाइव चार्ट की बात करते हैं दोस्तों तो जस्ट अभी 1 घंटे पहले कॉइन मार्केट कैप पर ये लिस्ट हुआ है, सीधी सी बात है थोड़ा बहुत उछाल आपको उसके प्राइस में बढ़त देखने को मिलेगी विच इज अ नॉर्मल थिंग। हालांकि इस प्रोजेक्ट को पूरा समझने के लिए आपको भी खुद अपनी ओर से ड्यू डिलिजेंस दिखानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर सलाह ले लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी जस्ट 1 घंटा पहले ही कॉइन मार्केट कैप पर लिस्ट हुआ तो सीधी सी बात है ऑल टाइम हाई यहाँ पे आज की डेट का ही रहेगा विच इज 0.8x03187 है और ऑल टाइम लो की बात की जाए वो भी ठीक 1 घंटा पहले क्योंकि जस्ट अभी लॉन्च हुआ है CMC पे तो वो भी 0.8x01834 है, रीजन बाय 33.40% के हिसाब से उछाल में आपको देखने को मिल जाएगा। ROI की अभी अवेलेबल नहीं क्योंकि डेटा इनके पास अभी आया नहीं क्योंकि हालांकि जस्ट अभी ये यहीं पे ही लिस्ट हुआ है। तो इस हिसाब से RET टोकन को दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है नया टोकन है,
काफी अच्छा यूज केस है। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में दो चीजें जो जरूरी होती हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, वो है लिक्विडिटी लॉक होना और उसका ऑडिट होना है। तो यहां पे दोनों चीजें हो रखी हैं। हालांकि फिर भी आपको अपनी ओर से इसकी रिसर्च करनी चाहिए। इन्वेस्ट वही कीजिए जिसका खोने पर आपको कोई गम ना हो, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। यहां पर कुछ भी हो सकता है हर एक मिनट और हर एक घंटे में। हम नहीं कह सकते मार्केट किस ओर जा रही है, क्योंकि इसकी प्रोडिक्शन किसी के पास नहीं होती है। बड़े बड़े गुरु बैठे हैं, वो फेल हो गए हैं, तो फिर आप कहां से प्रोडिक्शन का करेंगे। लेकिन आप इतना कर सकते हैं कि आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं कि जिस प्रोजेक्ट में आने वाले फ्यूचर में दम है, वो अपने प्रोजेक्ट के साथ कितना न्याय करेगा, उस प्रोजेक्ट को वो किस रूप में आगे लेके जाएगा। ये बहुत जरूरी होता है किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो अपने पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल सही तरीके से करें, गलत जगह बिल्कुल पैसा मत लगाएं। किसी भी यूट्यूबर के बोलने से आप पैसा इन्वेस्ट ना करें। खासकर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूबर के कहने पर पैसा डाल देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज हमने बात की RET टोकन और रिन्यूएबल एनर्जी टोकन के ऊपर। आज हमने डिस्कस किया, एक आपको ओवरव्यू दिया, प्रोजेक्ट को लेकर कुछ डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप इससे खुश नहीं है तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।